खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। पूरे इतिहास में जब से दुनिया बनी तब से अब तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो गुलाम होकर राजाओं के तख्ते पलट गया। जहांगीर जो मुगल सल्तनत का एक मशहूर बादशाह था, वो तो इस गुलाम को मारने के ख्वाब देखा करता था लेकिन मार नहीं पाया। एक काला अफ्रीकी बच्चा जिसका पैदाइशी नाम चापू था, जिसे उसके बचपन में ही उसके माँ बाप ने गुलामी के लिए बेच दिया था। दिमाग और दिल से काफी मजबूत उस बच्चे को उसके मालिकों ने अफ्रीका से बगदाद और बगदाद से हमारे देश हिंदुस्तान लेकर आए। हिंदुस्तान में आते ही उस बच्चे को एक ऐसा मौका मिला जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। अपनी समझदारी और सूझबूझ से उस बच्चे ने उस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। बच्चे ने खुद को ऐसा बुलंद कर दिया कि उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। शायद ही ऐसा कोई गुलाम इतिहास में पैदा हुआ होगा जिसके एक इशारे पर राजाओं के तख्ते पलट जाते थे। अपनी 73 साल की भरपूर जिंदगी जीकर वो गुलाम जिसे अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 25 किलोमीटर दूर खुलताबाद शहर में आराम कर रहा है, उस गुलाम को अब हम मलिक अंबर के नाम से पहचानते हैं। मलिक अंबर था तो गुलाम, लेकिन मलिक अंबर का ये मकबरा मलिक अंबर के बादशाह होने की गवाही देता है और हमें सबक देता है, हालात चाहे जैसे भी हो हमें हालातों का डटकर सामना करना चाहिए। सलाम है उस गुलाम को जिसने दुनिया जीती और हमारे दिल जीते और इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको मलिक अंबर का मकबरा बताने वाला हूँ और साथ ही मलिक अंबर के बारे में भी बताऊंगा। मलिक अंबर जिसका पैदाइशी नाम चापू था, मलिक अंबर हिंदुस्तान में अहमदनगर निजाम शाह के सल्तनत में एक गुलाम के तौर पर लाया गया था। जब सारी दुनिया में गुलामी का रिवाज था उस वक्त हिंदुस्तान में भी गुलामी का रिवाज तो था, लेकिन हिंदुस्तान के दक्कन में गुलामों को आजादी से जीने का हक भी था। जो गुलाम आजाद होना चाहता उसे कुछ कीमत चुकाने के बाद आजादी मिल जाती थी। मलिक अंबर ने उस मौके का फायदा उठाकर हिंदुस्तान के दक्कन में गुलामों को जमा करके गुलामों की बहुत ही ताकतवर फौज बनाई और जब भी किसी को जरूरत होती तो मलिक अंबर अपनी फौज को किराए पर दे देता। मलिक अंबर ने ऐसे ही कई जंगें लड़ी और जीती भी। मलिक अंबर की ऐसे ही होशियारी और उसके दिमाग को देखकर अहमदनगर के निजाम शाह ने मलिक अंबर को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। जैसे ही मलिक अंबर को प्रधानमंत्री बनाया गया, मलिक अंबर का हौसला और बढ़ गया। मलिक अंबर ने कसम खाई थी कि हिंदुस्तान में एक भी मुगल को रहने नहीं दूंगा। एक मशहूर मुगल बादशाह जहांगीर जो हमेशा मलिक अंबर को मारने के ख्वाब देखा करता था, लेकिन उसका ये ख्वाब भी अधूरा रह गया। ये तस्वीर जहांगीर के मंत्रियों ने बनाई हुई है जब जहांगीर मलिक अंबर को मार नहीं पा रहा था। इस तस्वीर में भाले पर लटका हुआ सर जो है मलिक अंबर का है और सामने अपने ताकत के घमंड में चूर मुगल बादशाह जहांगीर है। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर ही बनकर रह गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मलिक अंबर के बहुत करीबी थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता ने मलिक अंबर के साथ मिलकर बहुत सारी जंगें भी लड़ी थी। मलिक अंबर की जंग के बहुत सारे तरीके भी शिवाजी महाराज अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। मलिक अंबर ने खुद का शहर भी बसाया जिसका नाम मलिक अंबर ने खड़की रखा। उस शहर में बहुत सारी मस्जिदें और मंदिर बनाए, पानी के लिए नहरों का जाल बनाया। आज हम उस शहर को औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। अपने मरने से पहले खुद के लिए ये मकबरा बनाया और 73 साल की भरपूर जिंदगी जीने के बाद आज मलिक अंबर इसी मकबरे में आराम कर रहा है। मलिक अंबर के मकबरे की बनावट देखने के काबिल है। मलिक अंबर के मकबरे की देखरेख अच्छी तरह से की जाए तो ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत है। हमारी गवर्नमेंट मलिक अंबर के इस मकबरे की तरफ इतना खास ध्यान नहीं देती, हालांकि ये मकबरा एक राष्ट्रीय धरोहर है। मकबरा कई सौ सालों से जैसा उस जमाने में था आज भी उसी हालत में सही से खड़ा है। मलिक अंबर का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में खुलताबाद शहर में है, जो एक बहुत ही खूबसूरत देखने के लायक है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दो और हमेशा मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।